अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम सैयद अली जामिन है और आज है लेक्चर 3.2, जिसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। एंड आज जो हमने पढ़ना है वो है नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड नोडल एनालिसिस सिंपल वाला, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स। तो चलें शुरू करते हैं। क्लासेस जिस तरह हो रही हैं आपको पता है, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकता है। यूट्यूब पे जाके आपने मेरा नाम टाइप करना है और उस पर इस तरह का लोगो आएगा, वो वाला आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक का पेज है जिसको आप लाजमी लाइक करें, क्योंकि इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इस फेसबुक पेज पर, और आप सारी चीज़ें मैं इसी पर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। और थर्डली, आपका कोई क्वेश्चन है ईमेल भी कर सकते हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस सिंपल पढ़ा था जिसमें वोल्टेज सोर्स इन्वॉल्व नहीं थी। आज वोल्टेज सोर्स के साथ यानी नोडल एनालिसिस है। तो नोडल एनालिसिस की लास्ट टाइम भी डेफिनेशन आपको बताई थी कि उसका हमारा मेन पर्पज ये होता है कि हमने नोड्स पे वोल्टेज फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो जिसको नोड्स का, लूप्स का और ब्रांचेस का नहीं पता, तो वो एक और लेक्चर था जो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, चैप्टर 2 की, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि नोड्स क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती हैं। तो अगर आपको नोड्स का नहीं पता तो पहले आप वो वाला लेक्चर लें जिसमें नोड ब्रांचेस चीज़ें बताई हुई हैं, उसके बाद ये वाला लेक्चर, और इससे भी पहले आपने लेना है नोडल एनालिसिस वाला लेक्चर। उसके ये स्टेप्स थे कि पहले नोड बनाते थे, फिर KCL अप्लाई करते थे, और फिर इक्वेशंस जो हमें मिलती थी उनको एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर रूल से सॉल्व करते थे। तो आज वो, क्योंकि वोल्टेज वो था विदाउट वोल्टेज सोर्स है, उसमें हम विद वोल्टेज सोर्स देखेंगे। ये वाले जो डायग्राम है ये विदाउट वोल्टेज सोर्स, यानी इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, बल्कि ये तो करंट सोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, जो लेक्चर है क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है, उसका ये मतलब है कि उसमें कोई वोल्टेज सोर्स भी होगी, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि वोल्टेज सोर्स क्या दो नोड्स के दरमियान है, यानी जो हम रेफरेंस नोड लेते हैं ना उनके दरमियान है, या सेपरेट कहीं और है, यानी वोल्टेज सोर्स इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो इधर जो होगी उसका इतना इशू नहीं होता, जो साइड पे होती है, यानी जो एक ग्राउंड के साथ अटैच हो, यानी दो इस तरह की जो नोड हम कंसीडर करते हैं ना V1 V2, उनके दरमियान में ना हो, बल्कि एक उसकी नोड ब्रांच के साथ, सॉरी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो, दूसरी चाहे रेफरेंस नोड इसके साथ कनेक्ट हो, एक उसकी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो और एक इसके साथ कनेक्ट हो, तो उसका ऐसा इशू नहीं होता। जिस तरह मतलब अगर इधर होती, ये करंट की जगह वोल्टेज सोर्स होती या इस करंट की जगह वोल्टेज सोर्स होती, तो उसका नहीं इशू। हमने जो आज डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि अगर वो ब्रांच वोल्टेज सोर्स इन नोड्स के दरमियान में आ जाए, ठीक है, ये दो नोड्स हैं और इन नोड्स के दरमियान में आ जाए, जिस तरह ये एक वोल्टेज सोर्स इन दो नोड्स के दरमियान में आई हुई है, क्यों ये इशू क्यों है? वोल्टेज सोर्स ने हमें क्या मजबूर कर दिया कि हम नया टॉपिक ही इस पर पढ़ लेंगे, वोल्टेज सोर्स आएगी तो एक नया लेक्चर होगा? उसकी रीज़न ये है कि जब हम KCL अप्लाई करते थे तो हम यहाँ करंट देखा करते थे वो नोडल एनालिसिस में, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वोल्टेज आ गया दरमियान में, तो अब हमें वोल्टेज का भी देखना पड़ेगा, करंट का नहीं है तो अब वोल्टेज का देखना पड़ेगा। अच्छा, तो जो अब वोल्टेज सोर्स है इसके दो केसेस हैं, मैंने अभी आपको बता दिए। एक ये है कि वो उसके दरमियान में आता है ग्राउंड के और एक और नोड के दरमियान, और दूसरा जो था वो V1 V2 के दरमियान में आ रहा था, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं, ये वो वाला केसेस है जिसमें एक नॉन रेफरेंस, एक रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान होता है, ठीक है, यानी ग्राउंड के दरमियान और एक जो नोड हम कंसीडर करते हैं। ये वोल्टेज सोर्स जो होता है जो दोनों ही नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान आ जाता है, यानी V1 और V2 के दरमियान आ जाता है, ठीक है, ठीक है, V1 और V2 के दरमियान। तो जो रेफरेंस नोड होती है वो ग्राउंड को कहते हैं, और नॉन रेफरेंस जो है वो ग्राउंड को या जिससे करंट गुजर रहा होता है
तो जो नॉन रेफरेंस नोड होती हैं, जिसका यानी हमने वोल्टेजेस फाइंड करने होते हैं जिस नोड पे, केसेस थे उसमें से हम एक ही केस देखेंगे। सेकंड केस है, ये एक एग्जांपल है, एक डायग्राम है जिसमें ये गिवन है, एक नोड, एक इस पे क्वेश्चन ये है कि आपने इस पे नोडल एनालिसिस करना है और वोल्टेज सोर्स आ गई हुई है, ठीक है। तो जी देखते हैं कैसे इसको फिर करते हैं हम। अभी लास्ट स्लाइड में आपको वो जो एक सर्कल से नजर आ रहा था उसको बोलते थे सुपर नोड, ठीक है। सुपर नोड की ये डेफिनेशन है, बाकी मैं आपको भी अगली स्लाइड में बताता हूँ इसमें। अच्छा, अब ये हमें एक सर्किट मिल गया हुआ है, अब हमने देख लिया कि इसमें क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स आ गया, नोडल एनालिसिस लगाना है। तो इसके दो सिंपल मेथड होते हैं, स्टेप होते हैं। स्टेप वन ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि किन नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ गया। अब ये आया हुआ है V1 और V2 के दरमियान, यानी अगर इसमें तीन नोड है V1, V2, V3, तो V2 और V3 के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ गई हुई है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, आपने आपने कहना होता है कि जिन दो नोड्स के दरमियान, ये लाजमी, ये ध्यान से बात सुननी है जो अभी मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि यही इसका एक है मेन आइडिया। जिन दो नोड्स के दरमियान यानी V2 और V3 के दरमियान में वोल्टेज सोर्स आ जाती है, उसको हम सुपर नोड बना देते हैं, ठीक है। सुपर नोड का मतलब ये है कि हम उन दोनों को, V2 को और V3 को, एक ही नोड कंसीडर करते हैं। ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए, कि जहाँ वोल्टेज सोर्स आ जाती है V2 और V3 के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल इसमें V2 और V3 के दरमियान वोल्टेज सोर्स आई हुई है, तो आपने अब इनको दो नोड्स कंसीडर नहीं करना, यानी V2 को और V3 को दो नोड्स कंसीडर नहीं करना, बल्कि इनको एक सुपर नोड बना देना है, इस तरह एक सर्कल बना देना है। आपने कहना है जी यहाँ से लेके ये जो इसने सर्कल बनाया हुआ है, ये सारी एक ही नोड है, सिर्फ ये एक नोड है, दो नोड्स नहीं है, ठीक है। एक नोड का मतलब ये है कि इस इन दोनों नोड्स के तरफ जो करंट आने वाला, करंट आ रहा होगा इनकी तरफ या इंटर जो हो रहा होगा, उसको हम यही समझेंगे कि वो सुपर नोड के अंदर इंटर हो रहा है, चाहे वो V3 में इंटर हो रहा है, चाहे V2 में इंटर हो रहा है, हमने यही समझना है कि वो सुपर नोड में इंटर हो रहा है, यानी वो एक जो नोड, सुपर नोड को एक ही नोड होती है, उस सुपर नोड में इंटर हो रहा है, और इन दोनों नोड्स में से V2 और V3 में से जो करंट लीव कर रहा है, हमने कहना है कि वो सुपर नोड से लीव कर रहा है, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसको मैं समझा देता हूँ मजीद, यानी अब हमने ये सर्कल बना के सुपर नोड कर दिया ना। अच्छा, अब क्या करना है कि ये देखें, अब हमने KCL अप्लाई करना है, जिस तरह हम पहले भी नोडल एनालिसिस में करते थे अप्लाई। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो नोडल एनालिसिस वाला लेक्चर जरूर ध्यान से सुने। अच्छा, अब हमने KCL अप्लाई करना है इसके ऊपर, किसके ऊपर, सुपर नोड के ऊपर। तो करंट कितने इंटर हो रहे हैं, एक यहाँ से करंट इंटर हो रहा है इस सुपर नोड की तरफ, एक करंट ये देखें इधर से आ रहा है, ये आई फोर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद करंट लीव कौन से कर रहे हैं, आई टू लीव कर रहा है उस सुपर नोड से, और आई थ्री लीव कर रहा है। तो KCL क्या कहता था कि जो करंट इंटर हो रहे हैं उनको एक तरफ लिख देना है, जो लीव कर रहे हैं उनको एक तरफ लिख देना है। फिर क्या करते हैं कि वोल्टेज वो अप्लाई करते थे हम KCL में, ओहम्स लॉ, आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई किसके इक्वल होगा, अगर वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो एक मिनट जी। अच्छा, अगर ओहम ला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो I किसके इक्वल होता है, V ओवर R के, ठीक है। I किसके इक्वल हो गया, V ओवर R के। अच्छा, अब आपको बताया था कि हाई वोल्टेज माइनस V वोल्ट, ये V किसके इक्वल होता है, V हाई माइनस वी एच। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं पहले चीज पढ़ा चुका हूँ KCL उसमें नोडल एनालिसिस में, वी एच माइनस वी आई ओवर आर, ठीक है, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज।
तो अब मैं आई वन की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, आई वन किधर है, आई वन कहाँ से आ रहा है, वी वन से आ रहा है, ठीक है, तो मैं हाई वोल्टेज वी वन लिखूंगा, और किसकी तरफ जा रहा है, वी टू सुपर नोड की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहाँ वी टू लिख दिया, डिवाइड कर रहा हूँ जो रास्ते में रेजिस्टेंस आ रही है, 2 ओम रेजिस्टेंस आ रही थी तो वो मैंने लिख दी, ठीक है। अब आगे प्लस का साइन है, और फिर दोबारा आई फोर का लिखना है, तो आई फोर का मैं देखता हूँ कि आई फोर क्या चीज़ है, आई फोर किधर है, ये वाला आई फोर है, ठीक है। आई फोर में क्या हो रहा है कि करंट जो इंटर हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये आई फोर आ कहाँ से रहा है, ये वी वन से आ रहा है, ठीक है, इस यहाँ से आ रहा है, इधर से फिर इधर, सॉरी इधर, ठीक है। तो आई फोर जो आ रहा है वो वी वन से आ रहा है, यानी उसका क्या होगा, हाई वोल्टेज वी वन होगा, ठीक है, आई फोर का हाई वोल्टेज क्या होगा, वी वन, लो वोल्टेज क्या होगा, वी थ्री की तरफ आ रहा है, तो वी थ्री लिख दिया, और रास्ते में कौन सी रेजिस्टेंस आई थी, फोर, नीचे फोर से डिवाइड कर दिया। इसी तरह अब आई टू का करेंगे, आई टू ये वाला है आई टू, हाई वोल्टेज इसका है वी टू, ठीक है, वी टू लिख दिया, माइनस जो, हाँ क्योंकि ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, ग्राउंड का वोल्टेज जीरो होता है, रास्ते में 8 रेजिस्टेंस आ रही है तो वो लिख दी। इसी तरह आई थ्री के लिए लिखा, हाई वोल्टेज वी थ्री है, माइनस जीरो किया क्योंकि ये ग्राउंड की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ आया और डिवाइड कर दिया रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक हो गया, पहला स्टेप आपने कर लिया, पहला स्टेप, सॉरी दूसरा स्टेप, अगर मैं इसे, पहले स्टेप में आपने मैश वो सॉरी ये सुपर नोड बनाई है, और सेकंड स्टेप में आपने उसको पे केसीएल अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक स्टेप आपने कर लिया, उससे आपको इक्वेशन एक मिल गई, अभी आपके पास एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपने ऐसे बनानी है कि ये जो आपने को गिवन सर्किट था, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ सुपर नोड के नीचे जो होता है ना, जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, वो वाला वो लूप लेनी है, ठीक है। लूप अगर आपको नहीं पता तो आपको एक लेक्चर था लूप्स पे, ब्रांचेस पे, वो रिवाइज करना चाहिए। अच्छा अब क्या देखा कि ये देखें, यही सर्किट है ना, यही सर्किट है, बस मैं इसका जिन दो नोड्स पे लगा हुआ था सुपर नोड, मैं बस वो दो नोड्स ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इनको ग्राउंड से ये वाली लूप मैं ले रहा हूँ, ये वाली लूप, ठीक है, ये वाली लूप लेनी है, और इस पे अप्लाई कर देना है केवीएल, जिस तरह पिछली डायग्राम में आपने केसीएल अप्लाई किया था, अब इस पे केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल के लिए आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लेता हूँ, केवीएल में मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से ऊपर गया, स्टार्ट में ये नेगेटिव का साइन है, तो पहले मैं नेगेटिव लिखूंगा, वी टू लिखूंगा, ठीक है, सॉरी अब आगे जाऊंगा तो अगली अगले वोल्टेज का क्या साइन स्टार्ट में आ रहा है, प्लस, तो मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ प्लस लिखा 5। फिर अगले वोल्टेज का स्टार्ट वाला साइन कौन सा आ रहा है, प्लस, तो दोबारा मैंने प्लस लिखा, और उस वोल्टेज का क्या क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन, उसका नाम गिवन है V3, तो यहाँ मैंने V3 लिखा, और आगे कोई है नहीं आगे, क्योंकि हमने सारे V1 सॉरी V2 को, V3 को और 5 वोल्टेज को देख लिया, तो 3 ही वोल्टेज थे उसमें, हमने सारा कुछ लिख लिया। अब इसको करना है आपने इजिकल टू 0, ठीक है, अब आप इसको, इससे एक और इक्वेशन बन जाएगी V1, और ये वाली एक इक्वेशन बन गई ना, अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, और उन इक्वेशंस को मेथड से सॉल्व करना, ठीक है, जिस तरह ये डायग्राम है, और इसका मैंने आपको केवीएल अप्लाई करके बता दिया, तो बेसिकली इस पे आपने केवीएल अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप ये था कि आपने जो सुपर नोड बनानी होती है, सेकंड स्टेप ये है, उस सुपर नोड पे आपने केसीएल अप्लाई करना होता है, उससे एक इक्वेशन मिलेगी। थर्ड स्टेप ये होता है कि आपने वो जो लूप पे सिलेक्ट करनी होती है जिसपे आपने केवीएल अप्लाई करना होता है, ठीक है,
तीन स्टेप करेंगे, तीन स्टेप से दो दो इक्वेशंस बनेंगी, या तीन चार स्टेप से दो इक्वेशंस बनेंगी और उन दो इक्वेशन तो आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। एग्जांपल में ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक इसमें वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई हुई है। तो अब हमें देख के पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है, अगर उसने कहा नोडल एनालिसिस लगाएं, तो ये नोडल एनालिसिस सिंपल वाला नहीं है बल्कि इसमें वोल्टेज सोर्स भी गिवन है। तो वोल्टेज सोर्स जब गिवन है तो पहला स्टेप क्या है, हमने ये लूप्स बनाते ये बनाते थे कि नोड्स कौन सी हैं। फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको सर्कल बना दूंगा और मैं कहूँगा कि ये हमारी एक सुपर नोड है, ठीक है। फिर मैं इस पे केसीएल लगाऊंगा, केसीएल लगा के एक इक्वेशन मिलेगी। फिर दोबारा मैं इसी डायग्राम को लूंगा और इस डायग्राम में सिर्फ बाकी सारी चीजें कैंसिल करके सिर्फ मैं इस वाली लूप को कंसीडर करूंगा, इस वाली लूप को। और इस वाली लूप में मैं क्या अप्लाई करूंगा, केवीएल, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होगा इस एग्जांपल को करने का। देखते हैं, ये देखें कि पहले हमने नोड सेलेक्ट कर ली, एक ये नोड है और एक ये नोड है, ठीक है। V1 V2 नाम दे दिया, उन दोनों के दरमियान क्या आ रहा था, सुपर नोड। तो उसने ना इसको सारे को कहा कि जी ये सुपर नोड है, ठीक है, ये सुपर नोड है। अब इस पे करंट जो इंटर हो रहे हैं उनको एक तरफ लिख लेना है, ये 2 एम्पेयर करंट इंटर हो रहा है इस नोड की तरफ, तो उसको एक तरफ लिख लिया और कोई नहीं इंटर हो रहा, सारे लीव कर रहे हैं। कैसे लीव कर रहे हैं, ये I1 जो है नीचे जा रहा है, ये भी लीव कर रहा है, I2 भी लीव कर रहा है, ये 7 एम्पेयर, एक्सक्यूज मी, ये 7 एम्पेयर जो है ये भी लीव कर रहा है। तो जो सारे लीव कर रहे थे उनको एक साइड पे लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को फर्दर ओहम लॉ लगाना है। तो ओहम लॉ ये वाला जो ये आपको बताया था कि ओहम लॉ लगाना है, वी ओवर आर वाला। ये उसने पहले ओहम लॉ किसके लिए लगाया, V1 के लिए, I1 के लिए। तो ये है V1 से माइनस, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो V1 -0 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह I2 के लिए क्या होगा, V2 -0 डिवाइडेड बाई 4, रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही है। इसी तरह 4 एम्पेयर ये इसके लिए था, 7 एम्पेयर, तो इसकी हमें वैल्यू गिवन है इसलिए हम डायरेक्ट 7 लिख देते हैं। अब इससे उसने सॉल्व किया, ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसी लगाएंगे, ये देखें लेफ्ट राइट साइड पे जो डायग्राम है इस पे उसने ये वाली लूप कंसीडर की है और इस सारी लूप पे उसने केवीएल लगाया। ये देखें केवीएल किस तरह लगाया कि उसने ना यहाँ से स्टार्ट किया। आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते, जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट करें। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो पहले कौन सा साइन आया, प्लस का, प्लस V1 V2 उसने लिख दिया। फिर यहाँ से इधर गए और इधर जाने लगे तो आ गया V1। V1 का साइन जो है वो नेगेटिव में है, तो उसने बेसिकली नेगेटिव आना था, लेकिन उसने क्योंकि इक्वेशन के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यानी आपने एक तरफ दफा सारी इक्वेशन लिख लेनी है, यानी आप लिखेंगे V2 -V1 -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तो माइनस पहले आ रहा है, 2 आ रहा है, और फिर बस इसमें खत्म हो गई। तो इसको इजिकल टू 0 करूंगा, तो जब बाकी दोनों को उस साइड पे ले जाऊंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ V1 की जगह मैं ये एक इक्वेशन बन गई है। अब मैं फर्दर इसको सॉल्व कर सकता हूँ वो वाले मेथड से, उसमें वैल्यूज पुट करके। जो लास्ट लास्ट इक्वेशन आई थी ना, उसको इसमें पुट किया तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे V1 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स, तो देखें आप ये किस तरह, एक डायग्राम ये बनाइए आपने, उसके बाद सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये डायग्राम बना दी, उससे आपने केसीएल लगाया, फिर सेकंड स्टेप में आपने ये डायग्राम बनाई, सॉरी थर्ड स्टेप में, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, ये डायग्राम की वन थी, आपने पहला स्टेप ये किया कि ये स्टेप 1 ये है,
कि आपने सुपर नोड बना दी, ये स्टेप वन हो गया। उस स्टेप वन से आपने क्या किया, केसीएल लगाया, जो कि स्टेप टू मैं कह देता हूँ। फिर आपने केसीएल, ये मैं केसीएल लिख रहा हूँ, केसीएल लगा दिया। स्टेप थ्री में आपने ये वाली डायग्राम बनाई और स्टेप फोर में उस डायग्राम से केवीएल इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये आपका टोटल फोर स्टेप हो गए। बेसिकली तो दो ही हैं, केसीएल लगाने और केवीएल लगाने, लेकिन डायग्राम आपने दो दो बनानी है, तो मैं टोटल उनको फोर स्टेप्स कह रहा हूँ। तो ये जो दो इक्वेशन आती हैं, एक ये इक्वेशन आएगी, एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे वी वन के। इस वी वन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी टू आंसर आ जाएगा, तो आप वी वन और वी टू के आंसर दे सकेंगे। तो अच्छा, लेक्चर तो ख़त्म हो गया है। अनाउंसमेंट ये है कि इसी क्लास पे अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के या डीएलडी के जो स्टूडेंट्स हैं, किसी जो ये दो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के और डीएलडी के, इनके सारे लेक्चर अब मैं इजी क्लास पे नहीं अपलोड करता। वो इजी क्लास को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, उसकी जगह इजी क्लास की जगह ले ली है आपकी अपनी लीड्स यूनिवर्सिटी के एलएमएस पोर्टल ने। तो आप सबको रोल नंबर भी असाइन हो गए होंगे, आप उस पोर्टल को यूज़ किया करें। मैं सारे लेक्चर अब उस पर शिफ्ट कर दूंगा। सारे लेक्चर शिफ्ट करने का यह मतलब है कि जो मैं पोस्ट इजी क्लास पे किया करता था कि और यूट्यूब के जो लिंक शेयर किया करता था, बेसिकली वो मैं शेयर किया करूंगा एलएमएस पे, लेकिन साथ ही साथ वो सारे लिंक जो हैं वो फेसबुक पेज पे भी शेयर हुआ करेंगे। तो जो आपका ऑफिशियल टूल है अब वो यही है, एलएमएस है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एलएमएस पे ही सारी वीडियोस होंगी, यानी लिंक उस पे होगा लेकिन आपको जाना दोबारा वही यूट्यूब पे पड़ेगा और फेसबुक को आपने ज़रूर लाइक करना है। तो आपने यूट्यूब को और फेसबुक के पेज को लाजमी विजिट करते रहना है। और एलएमएस पे सब लोग चले जाएं, ठीक है। तो यूट्यूब पे और फेसबुक मस्ट है, और थर्ड चीज़ एलएमएस है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन ये तीन चीज़ें जो है आपको चाहिए कि डेली विजिट किया करें एक दफ़ा, और अपने लेक्चर सारे आप यूट्यूब पे सुनेंगे। फेसबुक पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, यानी फेसबुक मुझे ज़्यादा फ्रेंडली लगती है क्योंकि उस पर पोस्टें सही हो जाती हैं। तो एलएमएस क्योंकि अभी न्यू है तो इसका कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट है, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी पे डिस्प्ले हुआ करेंगी। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए समझें बहुत ज़रूरी हैं इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और लेक्चर सुन भी लिया करें। मैं अगर अपलोड कर रहा हूँ तो आपको चाहिए कि ये लेक्चर ध्यान से सुने। अगर आप रेगुलरली सुनते रहेंगे तो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स में मुश्किल नहीं होगी। और इस दफ़ा मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में आपको दिन भी इतने नहीं दूंगा जितने मैंने मिड टर्म में दिए थे, ठीक है। तो चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।